वर्ल्ड का सेकेंड लार्ज रास्ता करके निकलेंगे बेंगलोर। तो अभी रास्ता चल रहा है, रास्ता पाड़े जो भाई खड़े हैं उन्होंने भी फोटो क्लिक की हमारी। फिर आपको सिर्फ कर्नाटका में ही मिल सकता है सी वो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। होप करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और लास्ट दिन की शुरुआत हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं मुर्देश्वर टेंपल, थोड़ा वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। कल नाइट हो गया था तो हम लोग सिर्फ दर्शन किए, कुछ ज़्यादा देखे नहीं, बट अभी बस वहीं जा रहे हैं। और जस्ट उठे थे थोड़ी देर पहले ही और फ्रेश व्रेश हुए और हम लोग वहाँ रुके थे। वो घर है, घर सा बना रखा है तो वहीं पर हम लोग स्टे किए हुए थे। तो अभी जा रहे हैं और गर्मी एक नंबर है, एक नंबर मतलब बहुत गर्मी है। तो ये रही हमारी बाइक जो कि फुल रेडी हो गई है चलने के लिए। और आज डे गोवा ट्रिप का लास्ट डे होने वाला है और बहुत लंबी राइड होने वाली है, अराउंड 500 किलोमीटर। तो आज हम लोग को पहुंचना है, नाइट हो जाएगा बेंगलोर पहुंचते। एनीवेज बढ़िया है सब कुछ, तो चलते हैं। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी तो जाइए देखिए, एक नंबर वीडियो है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस यहाँ हमारी गाड़ी है वार्म अप, फुल लोडेड होने के बाद इतनी प्यारी लगती है बुलेट। आप लगेज बांध दो इस पर, एकदम कैंग बैग ले लो, एक नंबर लगती है। अभी थोड़ी राहत मिली गाइस, हट जा मेरी जान, रास्ते में ट्रक पार्क रखा है। स्मॉल सिटी है और ये सिटी सिर्फ मुर्देश्वर टेंपल की वजह से ही फेमस है, क्योंकि टेंपल ही ऐसा है। सी लुक इट ब्रो, ये मेन गेट है मुर्देश्वर टेंपल। सी गाइस, हर हर महादेव। जो आप मेरे पीछे स्टैचू देख रहे हो शिवा का, ये कंडुका हिल्स पे बना हुआ है और ये थ्री साइड से अरेबिक सी के अराउंड है, मतलब थ्री साइड में अरेबिक सी है, तो विच इज़ वेरी अमेजिंग। और बहुत प्यारा स्टैचू है अगर आप देख रहे हो तो दिख रहा होगा, और बहुत अमेजिंग। और ये कंडुका की, ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट शिवा स्टैचू है वर्ल्ड का, तो आप सोच सकते हो कितना अमेजिंग है ये, और बहुत 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 प्यारा स्टैचू है। यहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट शिवा का स्टैचू है तो वो बहुत अमेजिंग है। वर्ल्ड का, वर्ल्ड में कंसीडर होना इज़ अ वेरी बिग थिंग। अरेबिक सी के बगल में बाइक चला रहा हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और शिवा जी के जस्ट नीचे म्यूज़ियम बना हुआ है। रास्ता करके निकलेंगे बेंगलोर। तो अभी रास्ता चल रहा है, रास्ता पाड़े। और चलते रहो तो ठीक है, अगर रुक जाओ तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। उस साइड भी, उस साइड तो नहीं होगी इतनी गर्मी, बेंगलोर साइड बहुत गर्मी है। तो चलते हैं फटाक से नाश्ता करके और आपसे मिलते हैं बाइक पे। अब फटाफट नाश्ता कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे खास बात, अच्छी बात ये है कि आप बीच तक बाइक लेके जा सकते हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ज़्यादा बड़ा सिटी नहीं है,
बट अच्छा है, पीसफुल है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं काफ़ी। काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुआ तो काफ़ी अच्छा नेचर था उनका, मज़ा आया। तो फटाफट चलते हैं, हाईवे पकड़ते हैं और सीधे बेंगलोर। बेंगलोर यहाँ से अराउंड 500 किलोमीटर है, तो गूगल मैप दिखा रहा है 9 आवर्स। अपने कितने लगेंगे पता नहीं। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:20 ओके, एंड किलोमीटर हो गया है 460। ठीक है, 460 लास्ट 3 डिजिट गाइस। नाउ टाइम फॉर पेट्रोल रिफिलिंग। सीधे एक लोचा हो गया गाइस, 10 किलोमीटर चलने के बाद आगे रास्ता बंद है और गूगल पे मैप में वो चीज़ दिखा नहीं रही है। क्या व्यू है, कर्नाटका में आपको ऐसे व्यू मिल जाएंगे। आराम से क्योंकि ये एक्सपीरियंस अमेजिंग है और ये एक्सपीरियंस आपको सिर्फ कर्नाटका में ही मिल सकता है। सी वो इजी इजी Look at the view guys, beautiful beautiful amazing experience। और पीछे जो भाई खड़े हैं उन्होंने भी फ़ोटो क्लिक की हमारी। और बहुत कंजेस्टेड है, सिर्फ एक बार में एक ही बाइक जा सकती है और दूसरी बाइक को होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया है। सी जोक फाल देख लिया क्या? हाँ देख लिया। ओके बढ़िया था। मेन रोड पे है क्या वो भी? जाओ चले जाओ। इस तरह की रोडिंग नहीं सोचा था मैंने कि मैं करूंगा। व्हाट अ व्यू मैन। ओके बाय 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 बाय।